करंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 3.C का परफॉर्म द फॉलोइंग सब फ्रैक्शन चेक बाय द रिजल्ट बाय करस्पोंडिंग एडिशन पहले इसको सबट्रैक्ट करना है और ऐड करके मुझे चेक करना है 6237 में से 694 को सबट्रैक्ट करना है। यहां हम सबट्रैक्ट करते हैं 6237 में से 694 को हम सबट्रैक्ट करते हैं क्या होगा 4 में 7 से 4 जाएगा 3 और 13 में से 4 जाएगा 9 4 13 और 11 में से जाएगा 5 ये 5 आपका आ जाएगा 5543 आपको ये आंसर मिलेगा। अब हमें चेक करना है ये सारा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है सबट्रैक्ट करना है मिसिंग वर्ड को भरना है 917 यहां पर आपका कुछ स्टार बना है 5 स्टार इसके बाद आपको दे रखा है 5 स्टार और 8। अब हम बताइए कि 7 में ऐसा क्या जुड़े कि मेरा 8 आ जाए है ना क्या हो सकता है 7 में 1 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा ठीक बस से आएगा 1 आ जाएगा ना और 5 और 1 का क्या बचे यहां पे 6 कर सकते हैं और यहां पर हमें क्या करना है अच्छा इसको क्या करना है पहले देखते हैं सबट्रैक्ट करना है ऐड करना है अच्छा इसको सबट्रैक्ट करना ऐड नहीं करना ओके ऐड नहीं करना ऐड करना तो ऐड नहीं करना। अब हमें क्या यहां पर क्या ऐसा नंबर रखते हैं कि 7 सबट्रैक्ट करना है तो मेरा 8 वाला 8 आए ठीक ना यहाँ पर ऐसा कोई नंबर बताइए जिसको 7 सबट्रैक्ट करें तो मेरा 8 आ जाएगा। तो मान लीजिए आप चूंकि 7 से कुछ भी सबट्रैक्ट करेंगे तो 8 तो आएगा नहीं 7 से 1 भी सबट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ सकता है 7 से घटाएंगे तो 4 आ सकता है 5 आ सकता है तो क्लियर है कि इस कैरी लेकर 17 बनेगा तभी यहाँ से घटाएगा ठीक ना तो 17 में से अगर 9 हम घटा देते हैं सबको तो 17 में से अगर 9 घटा देंगे ना 8 बचेगा ना तो इसका मतलब यहाँ पर हम 9 रख लेंगे इस तरह हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फाइंड द डिफरेंस कह रहा है तो सबसे आसान है इसको हटाना है तीसरे नंबर में कुछ करना नहीं आप इसे कर सकते हैं ठीक ना घटा सकते हैं दूसरा के जितने भी क्वेश्चन है सब इसी तरह हम सॉल्व करेंगे ठीक ना दूसरा के जितने भी क्वेश्चन है सब इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या कह रहा है 4 नंबर कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नंबर नंबर ऑफ 7 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स ये आपको क्वेश्चन दे रहा है ओके क्वेश्चन दे रहा है आपसे कह रहा है इसका डिफरेंस बताइए कि 7 डिजिट के लार्जेस्ट नहीं
अब चाहे तो ये डिजिट भी दिया रहेगा तो क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं ना, बट क्वेश्चन में फोर डिजिट दिया तो फोर डिजिट पर एक बार बता दे रहे आपको, और मैंने एट डिजिट पर बनाया है आपकी जानकारी के लिए, मैंने एट डिजिट पर भी से बता दिया, तो आपके लिए बेटर हुआ कि अगर एट डिजिट वाला भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप उसको इस तरह कर सकते हैं, और अगर फोर डिजिट वाला जो कुछ भी क्वेश्चन दिया उसके अनुसार इसको देखें, हम इसको फोर डिजिट कर देंगे क्या कि स्मॉलर डिजिट ऑफ सेवन डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, और फोर डिजिट का लार्जेस्ट तो 1 2 3 4 सबट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, 10 में से 9 जाएगा 1, 10 में से 9 जाएगा 1, ये हम थोड़ा चेंज ऐसे ऐसे हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 से 9 0, 9 से 9 0, यहां पे और 9 में यहां हो जाएगा 9, तो इस तरह देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द होल नंबर व्हेन n + 4 = 9 दिया है, ये क्वेश्चन है आपको n की वैल्यू फाइंड करना है, तो 4 की वैल्यू दे देंगे तो 9 - 4 = 5 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट जो इसका है n + 35 = क्या होगा, 100 1 है n इक्वल टू 100 1 माइनस 35 n को उधर बदल देंगे पॉजिटिव है इस पर टू के दूसरे साइड जाएगा क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 100 1 में से 35 सबट्रैक्ट करेंगे 11 से 5 जाएगा 6 9 में से 3 जाएगा 6 सब मिलकर का आंसर होगा 66, इसका आंसर क्या होगा 66 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन इसमें कठिन नहीं है।